संसार की ऐसी कोई घटना या अवस्था है नहीं जिसके साथ दुख लगा न हो। तो बोले भक्ति करते हैं तो उसमें भी तो दुख है। मीरा को कितना दुख सहना पड़ा, और भी जो भगवान के रास्ते ईश्वर के रास्ते चलते हैं उनको भी दिक्कतों का मुश्किलों का तो सामना करना ही पड़ता है। बाबा नानक के साथ रहने वाले बाला और मर्दाना, गुरुजी तो बैठे समाधि में और पीछे उन दोनों चेलों को लग गई भूख। अब खाएं तो खाएं क्या, जगह ऐसी थी कि एकदम एकांत, कुछ न मिले दूर दूर तक। बोले चलो नीचे दरिया के किनारे कुछ खरबूजे वरबूजे लगे हुए हैं, उसी से जरा देखते हैं, काम चलाते हैं। तो वो दरिया के किनारे खरबूज लगे हुए थे, तरबूज बोलो, खरबूजे खरबूज। देखा किसान तो मिला नहीं, बिना पूछे लेना तो चोरी है। दरिया में थोड़े हाथ वाथ धोए, कुल्ला किया, देखा तो छिलके पड़े हैं तरबूज के, लाल लाल गिरी उसमें लगी हुई है, किसी ने चाकू से काट के खाए हैं। भूखा क्या न करता, उन्हीं छिलकों को पानी से धोके और खाना शुरू किया। जो लाल लाल गिरी होती है काटने के बाद भी लगी रहती, इतने में किसान कहीं गया हुआ था आया और डंडा उठाया और पिटाई कर दी, थप्पड़ लगा दी गाल पे, उंगलियों के निशान छप गए। गुरुजी को आगे बोला खलड़ खादे जो मार पई तो गिर खादे की होई। वो बोलते रहे हमने नहीं कहा, हमने नहीं तोड़ा है, ये तो पहले पड़ा हुआ था। बोले सब जानता हूँ, मैं रोज सोच रहा था कि मेरे यहाँ से कोई चोरी करके जाता है, आज रंगे हाथ पकड़ में आए हो तुम। शिष्यों ने जाके नानक जी से कहा खलड़ खादे मार पई गिर खादे की होई, हमने तो छिलके खादे और जिन्होंने गिरी खाई वो तो मौज कर रहे हैं, उनको तो मार पड़ी नहीं और हमारा देखो हमने तो गलत किया नहीं फिर भी हमको। बोले तुम्हारा तो इधर ही हो गया लेकिन उसका तो ऊपर खबर पड़ेगा। तो मुश्किलें परेशानियां सबके जीवन में आती है, हर जीवन के साथ समस्याएं जुड़ी हुई है, हर संयोग के साथ वियोग लगा हुआ है, हर सुख के पीछे दुख, मान के पीछे अपमान और जीवन के पीछे मृत्यु जुड़ी है। कोई छूट नहीं सकता, बच नहीं सकता, चाहे आध्यात्मिक रहो चाहे संसारी रहो। लेकिन समस्याएं जहां शरीर है वहां समस्याएं साथ में ही है, जहां मन बुद्धि है वहां समस्याएं साथ में ही है। लेकिन आत्मज्ञान के प्रभाव से उन समस्याओं का असर आपके चित्त में नहीं पड़ता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, सुखे दुखे समय कृत्वा गीता कहती है। लाभा लाभौ जया जयौ, सुख में दुख में, लाभ में हानि में और जय में पराजय में। ततो युद्धाय युज्यस्व, हे अर्जुन युद्ध कर। संसार भी एक युद्ध से कम नहीं है,
इधर भी अपने मन की सारी नहीं चलती। इधर भी न जाने कितना जूझना पड़ता है। तो हम लोगों के जीवन के साथ युद्ध जुड़ा हुआ है, घर घर में युद्ध, कलह, दुख, ये घर घर की कहानी है। और फिर टीवी में जो चैनलें चलती है उसमें भी दिखाया जाता है कि कैसे सांस भी कभी बहुत ही, वो सीरियल देख के माइयां राजनीति करना सीख लेती है। लेकिन संस्कारहीन राजनीति से अपना भी बेड़ा गर्क करती है और घर का, समाज का वातावरण भी खराब करती है। राजनीति करनी है तो कृष्ण जैसी करो, राम जी जैसे राजनीति करते थे वैसे करो। गंदी नहीं है ये राजनीति, ये तो नीतियों की राजा है।